नमस्कार दोस्तों, खेतेश्वर टी कंपनी के अंदर आपका स्वागत है। मैं संतोष राठौरी आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप चाय का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो दोनों तरफ से आपके लायक है। अगर आपने चाय का व्यापार किया या कर रहे हैं और यह वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपके ज्ञान की बात अधूरी रहने वाली है। दोस्तों, चाय पत्ती व्यापार करते समय सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका एरिया, आपके एरिया में कौन सी चाय चलती है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, अन्यथा हम चाय का व्यापार नहीं कर पाते हैं। ये बात हम हर वीडियो में बोलते हैं। तो एरिया में कैसा क्या होता है दोस्तों, एरिया में होता है रंग का, कलर का डिफरेंस होता है, कुछ एरिया में कैसी चाय चलती है इसका डिफरेंस होता है, दूसरा ये डिफरेंस होता है चाय का कलर, चाय का ग्रेड। दोस्तों, चाय के ग्रेड के बारे में आप नहीं जानते कि चाय का ग्रेड कैसा होगा और चाय किस तरह की आपको चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है चाय को बनाकर परखना। बनाकर परखने के लिए आपको क्या पता चलना चाहिए आप, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेजर ग्रेड में, जो ग्रेड सब में सेट हो जाता है। आप कैमरे को पास में करके देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, यह ग्रेड होता है BOPSM। इस ग्रेड को हम BOPSM कहते हैं। दोस्तों, ये BP से थोड़ा बड़ा और BOP या BOPL या BPS से थोड़ा छोटा ग्रेड होता है, और यह अमूमन जो बढ़िया चाय होती है, हाइग्रोन जो चाय होती है उनके अंदर यूज लेता है। कलर दोस्तों ऐसा नहीं है, कलर की आप देखने जाएंगे तो कलर इसके अंदर आपको भरपूर मिल जाएगा। चाय का कप बनाए हुए इसे एक घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन चाय अभी वैसे के वैसे बड़ा है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है इस चाय के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है, तो यह है BOPSM ग्रेड। यह चलता है अमूमन शहरों के अंदर, अच्छी जो चाय पीते हैं वहाँ पर चलता है, रिच फैमिली है वहाँ पर चलता है, और जो चाय की कलर जानता है वह BOPSM ग्रेड पीता है। दोस्तों, उसके बाद जो सेकेंड ग्रेड आता है, जिसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस ग्रेड का रहता है, कैमरे में पास करके आप देख सकते हैं, इस ग्रेड को हम कहते हैं BP ग्रेड, जो आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा। इसकी चाय बात करें तो ये चाय का कलर है, और एक घंटे से ज़्यादा इसको भी हो चुका है, और ना तो चाय काला पड़ा है ना चाय में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आया है। हाँ, तो यह ग्रेड भी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई ग्रेड चलता है, जो पूरे स्टेट वाइज देखें, पूरे देश वाइज देखें, तो BP ग्रेड चलता है, और सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन भी चाय की अंदर फैक्ट्री के अंदर होता है तो यही BP ग्रेड निकलता है। यह मीडियम ग्रेड है, अर्थात इससे जो ग्रेड ऊपर आएंगे वो इससे सारे बड़े आएंगे, और इससे जो नीचे ग्रेड आएंगे वो सारे छोटे आएंगे। वो है या PF लेते हैं, उसके बाद यही BPSM, और उसके बाद यह BP ग्रेड आता है। यह ग्रेड मीडियम, राई का दाना आपने देखा होगा, राई के दाने की तरह, या कलौंजी आपने देखी होगी उसकी तरह यह ग्रेड आता है। इस ग्रेड की पहचान यही है कि राई या कलौंजी की तरह इसको देख लें और ये दानेदार आएगा, और इसके अंदर कलर की कोई कमी नहीं रहती, बस एक बाल आ जाए तो ये चाय का इतना बढ़िया स्वाद देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीपी का ग्रेड ब्लेंड का, जैसे सब्जियों में आपने आलू देखा होगा हर सब्जी के साथ सेट हो जाता है, उसी तरह बीपी का ऐसा ग्रेड है जो बड़े दानों के साथ भी सेट हो जाता है और छोटे दानों के साथ भी सेट हो जाता है। इसकी एक खासियत है, बीच का ग्रेड है तो मझोला है, तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, और चाय भी बढ़िया बना कर देगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, तो यह ग्रेड आता है OF का ग्रेड। इस OF के ग्रेड की खासियत यह है कि यह जहाँ पर कलर वाली चाय की जरूरत हो, इसका आप देख सकते हैं एक घंटे बनाने के बाद का कप है। चाय दोस्तों हम वही बेचते हैं जो काली नहीं पड़े, क्वालिटी हो, रेंज में हो आपके माल, और आपको ऐसा माल जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग हो वैसा माल बेचते हैं। तो यह OF का ग्रेड है। OF का ग्रेड PD से बड़ा, 10 से एक और ग्रेड बड़ा, और BP से छोटा ग्रेड होता है। OF और PF ये सिमिलर ग्रेड होता है। आसाम में ज्यादातर गार्डन्स इसे PF लगाते हैं, तो डुआर्स में PF ना लगाकर OF लगाया जाता है, और कुछ आसाम के गार्डन भी OF लगाते हैं। OF आप इसे रवा जो आपने देखा होगा, रवे की तरह ये ग्रेड होता है, और ये दानेदार भी हो सकता है, पत्ती कट भी हो सकता है। इसकी क्वालिटी यह है कि यह आपको कलर बढ़ाकर देगी। ये आपकी चाय में जो गांवों के अंदर अमूमन ग्रेड होता है या होटलों के ऊपर OF और PD को तरजीह दी जाती है, क्योंकि एक तो यह दूध वाली चाय होती है उसके अंदर भी कलर लेकर आ जाता है, और साथ ही साथ इसको उकालना कम पड़ता है, और क्वालिटी इसका अमूमन बेटर आता है, इसी वजह से OF का ग्रेड भी चलता है। जो डस्ट की चाय लेते हैं उसके अंदर OF, PD, डस्ट इस तरह का चाय का मिश्रण रहता है, और बड़े दानों के अंदर ये। दोस्तों यह तो तीन ऐसे ग्रेड हैं
जो मेजर ग्रेड कहे जाते हैं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी की सेल है तो BOPSM, BP और कोई ब्रेड की सेल है। अब बात करते हैं डस्ट की, जो PD करते हैं दोस्तों, यह देख सकते हैं एक डस्ट का सेकेंडरी ग्रेड है अच्छे गार्डन का। ये डस्ट दोस्तों चाय दिखने में ऐसी आपको दिखेगी। ये चाय दोस्तों हम आपको रिकमेंडेड नहीं करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि इस तरह का ट्रेड रहता है। ये वैसे बहुत हल्का चाय है और दिखने में भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन डस्ट ग्रेड अमूमन ऐसा रहता है और PD ग्रेड ऐसा रहता है। और ये ग्रेड दोस्तों आपके दक्षिण भारत चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहाँ पर इसकी अच्छी डिमांड है। या जो डिप डिप चाय बनाते हैं वो इन ग्रेड को लेते हैं, या फिर जिनको चाय बनानी हो तुरंत होटलों के ऊपर कपड़े से जो चाय छानते हैं वो डस्ट ग्रेड को यूज करता है। तो दोस्तों यह है चाय पत्ती की ग्रेड की जानकारी। अगर चाय पत्ती का व्यापार कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। खेतेश्वर टी कंपनी, मतलब चाय का संपूर्ण ज्ञान। धन्यवाद।